म्यूजिक ना सालों तक चलता रहता है, सालों तक बजता रहता है इनका म्यूजिक. एंड वंस अगेन आई फाइंड दैट टुडे, आज मैंने ट्रैक्स हमेशा फिल्म के साथ देखे या एक दो बार जब देखें तो फिल्म के साथ देखें, तो मैं फिल्म में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी. बट टुडे व्हेन आई हियर द ट्रैक्स सेपरेटली, ईच ट्रैक इज रियली नाइस. आई एम ऑनर्ड एंड आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ ओनिर्स फिल्म, बिकॉज मैं ओनिर के साथ, जैसे अमिताभ ने कहा, मैं मतलब जब ओनिर प्रीतम के साथ भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, इनके प्राइवेट एल्बम्स व्हेन ही वाज अ प्रोड्यूसर, मैंने तब भी गाया था. Essentially just the 3 days in box office, you know, some of the most beautiful films have perhaps not done great in the first 3 days but have survived across years, you know, be it Pyasa, be it, you know, a lot of such films, you know, Guru Dutt's films and films by Raj Kapoor, they've not at times, you know, so I think that is not a test of a film. Having said that, at the same time I think that the audience in India is changing. There are people who, you know, you want to go and like, just like you like to have pav bhaji, at the same time you like to have biryani. So I feel that there's a taste for all kinds of films and people would like to enjoy films which also they can take home at times. ओनिर एज अ डायरेक्टर, मैंने जब पहली बार भी इनके साथ काम किया माई ब्रदर निखिल में, तो मुझे आई वॉज अमेज, क्योंकि मैंने तो काफ़ी फिल्में कर ली थी तब तक, एंड इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म. बट द वे ही वॉज हैंडलिंग द सब्जेक्ट वॉज वेरी सेंसिटिव, इज अ वेरी क्वाइट पर्सन, ही जस्ट, बट ही एक्सप्लेन्स ब्यूटिफुली, एंड आई थिंक वो दिल से लिखते हैं, इसलिए ही नोज एग्जैक्टली हाउ टू ब्रिंग यू टू दैट पॉइंट इन द फिल्म. तो जब भी सेट्स पे एक्सप्लेन करते थे, इट वॉज सो विविड कि एक्टिंग करना बहुत इजी हो जाता था मेरे लिए. एंड ये जो मैं कह रही हूँ कि ये जब दिल से लिखते हैं, वन ही इज़ नॉट रियली, एक होता है यू मेक अ फिल्म कि ये इस ऑडियंस को अच्छी लगेगी या मैं ये ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, तो अलग फिल्म बनती है. बट वन यू जस्ट जेन्यूनली इंस्पायर्ड एंड यू टेल अ स्टोरी, ये वो काम बहुत सही करते हैं. एंड आई फाइंड दैट इन आई एम, it's a very genuine and a very inspired film.